कोशिश करेंगे, बट उनके पास एक डिप है, वो वहां पे रुक सकते हैं। यस, एक वॉच टावर का उनके पास कवर है, एचपी बहुत ज्यादा कम, दो फर्स्ट एड बचे उनके पास, ही करेंगे अपने आप को, बट नहीं है, स्टाव का एक बहुत ज्यादा बेहतरीन नेड, निंजा एंड स्काउट दोनों नॉक हुए, बट स्काउट बैक टू बैक दो नेड और वो सीधा फिनिश भी हो गए, बट एटलीस्ट निंजा को यहाँ पे रिवाइव कर सकते हैं, बट एक और टीम शायद बहुत जल्द यहाँ पे जुड़ने वाली है। केतन, बिल्कुल वहां पे एक किल स्टील हुआ था, एस्पावर ने नॉक करा था जरूर स्काउट को, बट रसीला राजू को फिनिश करा यहाँ पे गॉडल जोनाथन के और उनके टीममेट डेक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वहां पे क्लच गॉड ने या तो नियो ने करा था, बट अभी ओमेगा चलाते हुए नजर आएंगे, एक और शॉट वहां पे कनेक्ट हो सकता था, बट बहुत ज्यादा अच्छे टाइम पे वो वहां पे निकले, बट इस वक्त अगर बात करी जाए गॉडल एस्पावर की, वो डाउन में नहीं चलता, हम जाने की कोशिश करेंगे, नोवा एंड विस गॉट दो प्लेयर सरवाइव करते हुए दिखेंगे, तो इस वक्त उनका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने गोलियां चलाई थी और अब पीछे से पूरा गॉडल का स्क्वाड यहाँ पे ही, अगर 1v4 कर गए दो तीन प्री नेट फेंक दो आसपास एंड आपकी क्लिप रेडी हो जाएगी, बट अब यहाँ पे अल्ट्रॉन मेरी ख्याल से विद स्प्लिट सेकंड्स यहाँ पे मेरे को नहीं लगता इतना टाइम होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा प्रेडिक्शन लगा रहे हैं, जी गॉड को लग रहा है कि ऊपर वॉच टावर था, बट और मैं यहाँ पे एक सरप्राइजिंग फैक्टर देयर ही गेट्स वन और यहाँ पे पूरा आगे चले गए अल्ट्रॉन, फील लाइक एक किल तो लेके जाऊंगा और वो लेके भी गए, टोटल चार पांच फिनिशर्स उनकी टीम के पास हो चुके, मतलब वो लोग एक बहुत बढ़िया फाइट जीत के जाएंगे, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे हाइटर का प्लेयर्स के लिए, वो लोग सोल से फाइट ले रहे थे और आने वाले हैं 367 मीटर दूर मॉर्टल को जोन में कर चला है, बचाने करेंगे भी नहीं, बट ओमेगा स्पॉट किए गए थे बट उतना ज्यादा शॉट्स कनेक्ट हुए नहीं, बट इसी बीच न्यू डाउन हुए, उनको रिवाइव करा जाएगा, बट अभी भी जोनाथन की स्क्वाड केतन पूरी तरीके से जोन के अंदर और पूरी तरीके से सुरक्षित, बिल्कुल, और नियो को रिवाइव देने का भी जो प्रोसेस है वो थोड़ी देर में शुरू हो जाए, बट जोनाथन को कवर देना पड़ेगा इस कंपाउंड से अलग अलग साइड, अब जोनाथन का मेन गेम प्ले शुरू होगा क्योंकि हर एंगल से इनके पास किल्स आ सकते हैं एंड एक अच्छा खासा कवर है, अब रिजेस के ऊपर देखोगे आपको प्लेयर्स ही प्लेयर्स दिखेंगे, एंड देन यू कैन सी यहां पे जोनाथन टेक्स डाउन वन, ओमेगा को यहां पे फिनिश ऑलमोस्ट करते करते रहेगा, बट यहां पे ग्लॉक गेमिंग को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, एक दो स्मोक डाल के वो ऑपोजिट साइड पे जा सकते हैं, बट मीनवाइल यहां पे हर जगह से डैमेज पड़ता हुआ नजर आ रहा है यहां पे जोनाथन के पास, अभी तक तो फिलहाल एक ही फिनिश है, बट बाकी देखते हैं, नियो को रिवाइव मिल चुका है, सो वापस एक डुओ देख रहे हैं क्या ये पत्थर के पीछे दोनों प्लेयर जो बैठे वो इकट्ठे खत्म हो सकता है, एग्जैक्ट ग्रेनेड गया बट थोड़ा सा शॉर्ट था, लेट्स सी अब यहाँ पे फाइट तो लेनी ही पड़ेगी, थोड़े से प्री शॉट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, प्रोफेसर को वहां पे दलजीत ने पूरा फिनिश कर दिया इस वाले मैप से, अब बचा है टीम जोनाथन वर्सेस टीम स्नैक्स, देखते हैं कि कौन कितना ज्यादा देर तक यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, बट स्नैक्स का नाम लेते हैं, स्नैक्स यहाँ पे इमॉर्टल के द्वारा डाउन किया गया, स्पाइक एंड नकुल दो प्लेयर बचे हुए अपनी टीम से, यहाँ पे नकुल को स्पॉट किया गया, नहीं देखना पड़ेगा दलजीत को बहुत ज्यादा एचपी, शायद अभी टीम जोनाथन की स्क्वाड इस मैच में बनी हुई है, तो जितना सर्वाइव करें पूरा पूरा कंपाउंड है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और इनके जो पीछे दोनों प्लेयर हैं उनकी पोजिशनिंग ऑलरेडी नियो को पता है, बिल्कुल, और आतंकी भी पीछे हील बैटल कर रहे हैं, सो स्टोन का ही एक मात्र कवर और वहां से देखते कितने उनके पास होस्टेड हैं, दैट मैटर्स अ लॉट, बट यहाँ पे मॉडल प्ले जोन से अब फिनिश हो चुके हैं फिलहाल, जो 21 फोर्स्टेड का जो एक सिलसिला था टॉप 5 के अंदर उनकी टीम को लाके खड़ा कर दिया, बट गॉडल गॉट द जोन, बट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मुझे एक बार के लिए लगा कि शायद नियो ने वहां पे स्पाइक को स्पॉट किया या फिर वो बस ग्लिच से दिख रहा था, बट चलिए नकुल को यहां पे फाइनली स्पॉट किया गया, स्पाइक के द्वारा बुलेट्स काफी ज्यादा यूज किए बट फाइनली उन्होंने नकुल को डाउन किया, आखिरी प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से स्पाइक, देखते हैं कि कौन उनका फिनिश यहां पे निकालने वाला है, स्पाइक ओपन में लेटेस्ट जरूर यहां पे जोनाथन को देखना पड़ेगा, किसी को स्पॉट कर सकते हैं या फिर स्पाइक अभी भी ऊपर के साइड पे मौजूद, सेंसई कोशिश कर रहे थे ग्रेनेड करने की बट वापस उन्होंने स्विच किया, फाइनली उन्होंने नेट कुक करना चालू किया है, पत्थर के पीछे फेंकने की कोशिश रही, स्पाइक अभी जोन के बाहर है, हील बैटल करने के लिए वो भी गए, इमॉर्टल एंड सेंसई दो प्लेयर अपनी टीम से सरवाइव करते हैं, इमॉर्टल के पास 17 फर्स्ट एड ऑलरेडी है एंड वो हील बैटल के लिए जा चुके हैं, बट मुझे नहीं लगता हील बैटल वहां पे पॉसिबल रहेगा उनके लिए, स्पाइक इस वक्त जोन के बाहर है, एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, सेंसई वो भी जोन के बाहर गए, इनके पास तो 0 फर्स्ट एड है, बस केवल बैंडेजेस लेके इस वक्त चलेंगे, स्पाइक ऊपर के साइड पे मौजूद और उनको यहां पे स्पॉट किया गया, सेंसई खत्म करेंगे बट अपनी पोजीशन सेंसई जरूर यहां पे दे बैठे हैं गॉटल की स्क्वाड को, बट 10 टोटल फिनिशर्स उनके पास है, 1v2 का सिचुएशन होने वाला है, बट इमॉर्टल क्या केतन जाते जाते वो गॉडल की स्क्वाड को बहुत ज्यादा परेशानी में डालने वाले, क्योंकि वहां कोई नहीं देख रहा होगा, जोन के बाहर दोनों में से कोई भी प्लेयर इस वक्त देख नहीं रहा होगा एग्जैक्टली, बट अभी यहाँ पे फाइट जिस तरीके से निकल रही है
मेरी ख्याल से मेजी इमोर्टल बेस जोन से ही हाँ मरते हुए नजर आएंगे, कोई किल यहाँ पे सामने वाले को नहीं देने की कोशिश करेंगे, बट जॉनेथन उनको थोड़ा सा निकलना पड़ेगा सामने, बिकॉज ये किल मैटर करेगा उनको, अगर उनको टॉप के भी अगर थोड़ा सा और सिक्योर्ड ऊपर जाना है। यहाँ पे चिकन डिनर जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे वो गॉडल के प्लेयर्स ने निकाले, बट इमोर्टल क्या अभी भी सेम स्प्रे में दो प्लेयर निकालते, बिकॉज न्यू भी अभी ओके, बट दिस इज नॉट पॉसिबल मेरे को नहीं लगता, बट दिस इज अ मैटर ऑफ टाइम जहाँ पे गॉडल के प्लेयर्स वेट कर रहे हैं एंड इमोर्टल वो बस अपने फोर स्टेट्स गिन रहे हैं जैसे ही माइनस में जा रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर केतन, अगर बस ये जो एक फिनिश इमॉर्टल का गॉडल को नहीं मिला और इसके चलते अगर वो सेकंड पे आ गए, तो सेकेंड आप आ सोचें कि गया। उनको कितना ज्यादा बुरा महसूस होगा, वो तो हम बाद में देखेंगे। बट इमॉर्टल अपना किल ना दे वही ज्यादा बेहतर होगा, बट नहीं, जाते जाते उन्होंने अपना किल भी, अपना फिनिश भी यहाँ पे गॉडल जोनाथन की टीम को दे बैठे। बट इसी के साथ सैनहॉक में ये दूसरा बैक टू बैक चिकन डिनर निकालते हुए टीम जोनाथन की स्क्वाड फिनिशेस भी अच्छे खासे उन्होंने निकाले।